हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं सहार घाट, और वो भी तीन चक्या रिक्शा में। मेरे चाचा जी न्यू लिवे के। क्या हुआ, 45 से ज्यादा नहीं गिरते, आराम से चलिए। देख सकते हैं अभी, और साइड अभी देख सकते हैं हम लोग कि तीन चक्या रिक्शा में है। इंजॉय करते करते हम लोग जा रहे हैं सहार घाट, गाड़ी को थोड़ा सर्विसिंग करवाने के लिए। तो हम आप सभी को रास्तों की आज से पहले हमारे गांव में ऐसा रिक्शा कभी नहीं आया था, तो पब्लिक का रिएक्शन देखना जरूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर बने रहिए। तो हम लोग गांव में देख सकते हैं एंटर कर चुके हैं, और बच्चे लोग का देखिए, इसे देखकर काफी उत्सुक हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं बच्चे लोग। हॉर्न काहे नहीं बजाते हैं, सच बोलिए का नजारा देखिए, क्योंकि इस गांव में निरहुआ गाड़ी है इसको बोलता। जो लोग देखता है इस गाड़ी को देखते रह जाता है, क्योंकि आज से पहले गांव में कभी नहीं बैटरी वाला गाड़ी चला था, क्योंकि आज देखकर काफी लोग के चेहरे पर स्माइल देख सकते हैं। कुरकुरा खाई है। तो क्या ही बताऊँ दोस्तों, सब लोग को गाड़ी का रिएक्शन देख के सभी को रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। और कृष्णा जी ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को, देख सकते हैं बहुत ही औसत में गाड़ी चलाने में कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बताएं यार, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूब लग रहा है। और इससे पहले गाँव घर में गाड़ी की बैटरी वाला कोई देखा भी नहीं था, और पहली बार सभी देख रहे हैं, तो सबका रिएक्शन ही चेंज हो जा रहा है। गाड़ी में डर बहुत लगता है कृष्णा, यो मेघो बहुत लाग गेल छे। ओ माय गॉड, का हुआ, इधर से इधर क्या हो गया यार, मोटरसाइकिल थोड़ी ना सीधे मोड़ दीजिएगा, थोड़ा आराम से चलाना पड़ता है। सब अच्छा है, क्या बर्जेश जी, अच्छा ठीक पहन के आ गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे चलने वाला है। और हम लोग इसको देख सकते हैं उड़ा रहे हैं, उड़न खटोला की तरह आराम से बेटे, देख मार के इसका नाम है उड़न खटोला। ब्रेकर पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बट कोई नहीं। और अभी देख सकते हैं ज्ञान बिंदु सीनियर सेकेंडरी स्कूल के समीप आ चुके हैं। ये रहा ज्ञान बिंदु सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहुत अच्छे से सर जी पढ़ाते हैं, जो लोग देखता है इसे देखता ही रह जाता है। आराम से मोड़ दीजिए, इच्छा में देखा और हम मोड़ दीजिए, सब हटा फटा दीजिए, सब कवारा बना देते, सबके चेहरे पर स्माइल है। तो क्या ही बताऊं दोस्तों, बहुत ही मजा आ रहा है हम लोगों को, क्योंकि जो लोग देखते हैं ना, वो देखते ही रह जाते हैं, और काफी स्माइल भी सभी के चेहरे पे रह जाता है। अरे कि क्या आ गया नया, कौन सा गाड़ी नया आ गया, बैटरी कमेगा नहीं तो चलेगा इतना देर में। आराम से आराम से आराम से आराम से भाई साहब, वो हट जाए, रास्ता खाली कर दे। हम आप सभी को बाद वन का नजारा दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, काफी नेचुरल नजारा इधर का, देख सकते हैं गाइस। और हम लोग सुनोई पहुंचने वाले हैं, हम लोग का धान रोपनी हो चुका है दोस्तों। आप सभी उधर धान रोपनी हुआ या नहीं हुआ, सो हमको कमेंट में जरूर बतलाइएगा दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग सुनोई पहुंच चुके हैं, और यहां से हम दाया ले लिए हैं, और सीधा जाएंगे अब सहार घाट दोस्तों। अभी 5-7 गो सवारी मिल चुका है, और उन सभी को नहीं बैठाए हम, कम से कम 7-5 तो 100 रुपया तो हो ही जाता कम से कम। बट पीछे देख सकते हैं दुकान वाला सिस्टम चाचा जी सेट कर दिए हैं, तो इसमें पैसेंजर को नहीं बैठा सकते हैं। ओ भाई गॉड, क्या कट मार रहा है, क्या बकरी साइड हो जा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग सहार घाट पहुंच चुके हैं, इतना पानी है इधर, धीरे धीरे मोटर में पानी।
इतना धीरे नहीं, चलिए चलिए। देखो यार कितना पानी है सारघाट में रोड के ऊपर। मनीष को सिर्फ बुलाते हैं, रुकिए, हमारा तो कोई सुनता नहीं इधर। और ये सारघाट का, और ये सारघाट का सबसे फेमस होटल महालक्ष्मी स्वीट। और हम लोग नेताजी चौक पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से भाई सब आराम से। कैसे चलाते हैं चलो, ओ बसा बाबा साइड हो गई आज। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक न्यू रोड का निर्माण हुआ है जो कि सार घाट से डायरेक्ट मधुपुर में जोड़ देती है ये रोड। हम लोग एजेंसी पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, चले चले आगे बढ़ाइए। बालू से मोड़िए, रोड पर उतर जाए, गाड़ी लगाइए। देख रहे दुकान का सेटअप कुछ इस प्रकार से बना दिया गया है, जो कि ये नहीं रहता तो कितना रास्ते में 5-7 को पैसेंजर मिल गया था। ओ माय गॉड, इसमें बॉल कहाँ से आ गया? हाँ बॉल बॉल दोस्तों, जिस काम से हम लोग आए थे वो काम तो हुआ नहीं, क्योंकि वो मिस्त्री जी चल गए हैं बोलबम बाबा धाम। देखिए वो रहा संध्या ऑटो मोटर्स, वो नहीं मिले दोस्तों, अफसोस। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।